पिछली क्लास में जितना फॉर्मूला सारा प्रूव किया गया था लॉग का, वो सारा एकदम क्लियर है, याद है। चलो आज हम लोग जो जो डाउट है आप लोगों का लॉगरिथमिक इक्वेशन में, वो डिस्कस करेंगे। 125 से 130 तक को डाउट, 100 क्वेश्चन नंबर 129। देखो बेटा क्या है मामला, कहता है log ऑफ 9 - 2 टू दी पावर x अंडर बेस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 - x इज इक्वल टू 1। इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, हेंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दे आर इक्वल। एक्स के उन सभी मानों को निकालना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए। ठीक है भाई, तो देखो भाई ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम लोग डोमेन निकालते हैं। डोमेन में क्या होता है, 9 - 2 टू दी पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला शर्त क्या है भाई, तो 9 > 2 टू दी पावर एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, यानी 2 टू दी पावर एक्स लेस देन 9 होना चाहिए। ऐसा होगा तभी लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। 2 टू दी पावर एक्स लेस देन क्या होना चाहिए भाई, 9 होना चाहिए। थोड़ा सा बात को समझो, फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मान लो कि यह y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है भाई, इसको थोड़ा हम आज डिस्कस भी कर देंगे, है ना। ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो एफ ऑफ एक्स वन और ये एफ ऑफ एक्स टू है। कहता है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यदि एक्स वन बड़ा है एक्स टू से, तो एफ ऑफ एक्स वन बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स टू से। कोई दिक्कत, एक्स वन बड़ा है एक्स टू से तो एफ ऑफ एक्स वन बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स टू से, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। ठीक है भाई, और फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो अगर एक्स वन छोटा है एक्स टू से तो एफ ऑफ एक्स वन छोटा होगा एफ ऑफ एक्स टू से। ठीक है भाई, कब होगा भाई, तो कहता है यदि एक्स वन इज स्मॉलर देन एक्स टू देन एफ ऑफ एक्स वन इज स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स टू। बोलो भाई बात समझ में आ रहा है भाई, तो छोटा इनपुट के लिए छोटा आउटपुट, बड़ा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट। तो भाई एक्स वन इज लेस देन एक्स टू देन लॉग ऑफ 2 to the power x इज लेस देन लॉग ऑफ 9। जानबूझ के हम दो बेस में काम किए, क्योंकि दो बेस में लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, तो एक्स वन छोटा है एक्स टू से तो लॉग एक्स वन छोटा होगा लॉग ऑफ एक्स टू से, एक्स वन छोटा है एक्स टू से तो लॉग ऑफ एक्स वन छोटा होगा लॉग ऑफ एक्स टू से। तो बेटा अब क्या होगा, ये एक्स इधर चला आएगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 अंडर बेस 2 इज स्मॉलर देन लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2। बेटा लॉग ऑफ 2 अंडर बेस 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, कन्फर्म। लॉग ऑफ 2 अंडर बेस 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। हेंस एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया। तो डोमेन में क्या निकला कि एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2, इसके बीच में एक्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आया, तो एक्स भाई इसके इसके बीच में होना चाहिए, ये बात तय। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो और साथ ही साथ कह रहा है कि डिनोमिनेटर का रूट भी डोमेन में नहीं होता है। ऑल्सो
एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, एक्स का मान 3 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 डिनोमिनेटर का रूट होगा, यानी आंसर इस इंटरवल में होगा, इसको छोड़ के तो आंसर होगा। इसको एक बार ग्राफ से देखते हैं, तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको देखोगे तो इसका डोमेन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे कि भाई कहां से कहां तक नंबर लाइन पे एक्स रह सकता है, तो एक बार थोड़ा क्लियर हो लेते हैं। तो यहां आएगा लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2, देखो बेटा अगर 8 होता तो 2 का क्यूब होता तो ये 3 हो जाता, तो मतलब ये 3 से ज्यादा है, ठीक है भाई, तो इसके पहले ही कहीं ना कहीं 3 होगा। हैंस डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2, है ना, एक्सेप्ट दैट 3, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लॉग ऑफ 9 अंडर बेस 2 एक्सेप्ट देन 3। बोलो बेटा ये बात समझ में आया? तो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो कभी कभी क्या होता है कि जनरली हम लोग को यही करना चाहिए लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले, तो इंटायर फंक्शन का जो है हम लोग डोमेन पहले निकाल लेते हैं ताकि जो आंसर आए वह उस डोमेन का हिस्सा हो, है ना। डोमेन में अगर आंसर है तो उसको कंसीडर करेंगे, और अगर डोमेन में आंसर नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर नॉट? बोलो बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ। तो अब देखो भाई ध्यान से, तो लॉग ऑफ 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स बाय 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, इनइक्वालिटी रहता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी समस्या आती, तो बेटा इनइक्वालिटी है नहीं, इक्वेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट एक्स नॉट इक्वल टू 3, बिकॉज व्हेन एक्स इक्वल टू 3 द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है बेटा, क्या हो गया, लॉग ऑफ 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इफ देयर आर नो एनी, अच्छा बेस इज हियर व्हाट 2, बेस तो भैया 2 दिया है तो इसलिए कोई झमेला है नहीं, है ना। तो 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ऑफ 3 माइनस, बेटा एकदम सिंपल है, कल से लेकर आज तक यही करें, लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस ए यदि वाई है एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर वाई, ये अगर आप पकड़ ले रहे हो तो सारा सवाल बनना ही बनना है। आए भाई बात समझ में? अशरफ बाबू आया है? अच्छा है, चलो ठीक है भाई। 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 माइनस एक्स, बेटा 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स बराबर 2 टू दी पावर 3, है ना, बाय 2 टू दी पावर एक्स। ठीक है बेटा, अब 2 टू दी पावर एक्स को आप क्या कर लो, टी मान सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो 9 माइनस टी इंटू टी डायरेक्ट करें इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8। ठीक है भाई, 2 टू दी पावर 3 दैट इज व्हाट 8। दिस इंप्लाइज 90 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज, उधर ले जा लो भाई सबको, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस क्या हो गया भाई 90, तो माइनस 8t माइनस टी, ठीक है बेटा t कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, चलो भाई इधर आ जाओ। दिस इंप्लाइज टी माइनस 8 इंटू टी माइनस 1, दिखाई दे रहा है ये वाला भी, है ना, इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू माइनस 8 एंड टी इज इक्वल टू, सॉरी 8 एंड टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि टी का मान क्या है भाई 2 टू दी पावर एक्स है, 2 टू दी पावर एक्स इज 8 दैट इज 2 टू दी पावर 3। दिस इंप्लाइज
तो बहुत सारे बच्चों का एक्स इक्वल टू थ्री भी आंसर आता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्री डोमेन में नहीं है, थ्री डोमेन में नहीं है, इसीलिए लिख देंगे नॉट पॉसिबल। बेटा अब टी का मान क्या आ गया भाई, देखो तो टी का मान है वन, टू टू दी पावर एक्स इजिकल टू वन, दैट इज टू टू दी पावर एक्स इजिकल टू 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 दी पावर जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इजिकल टू जीरो, हेंस ओनली एक्स इजिकल टू जीरो इज द सोल्यूशन बिकॉज जीरो इस इंटरवल में है। चलिए किसका किसका ही खुद से बन गया था, तो ठा भाई चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े फटाफट, जिसका नहीं बना है पैरेलल नोट करते रहिए, है ना, एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, 137, ठीक है नोट कर लिए इसको, एक एक करके 37 बन गया आपका, 37 भी आपका प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम पर काम करते हैं। 36 किसका किसका बन गया भाई, 136, और किसका किसका नहीं बना 136, हाथ उठाओ, चलो दोनों बताते हैं। 137 कौन कौन बनाया हाथ उठाओ, मिटा दें, जल्दी जल्दी पहले 137 ही देख लेते, ठीक है 137 ही ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, थ्री टू दी पावर log of root under x under base 3 minus log x जोर log square x minus 3 is equal to 0, 3 to the power log of root under x अंडर बेस 3 माइनस लॉग एक्स जोर लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3, चलिए तो एक शायद फॉर्मूला हम लिखाने भूल गए हो, नहीं लिखाए हो तो आप उसको नोट कर लीजिए, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस ए एक्स होता है, हम प्रूव कर देंगे इस सवाल के बाद, तो इसको नोट कर लो, a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस a x होता है, ठीक है भाई, अब देखो कितना आसान हो गया, तो a टू दी पावर log ऑफ x, x के जगह पर ये पूरा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, अंडर बेस a, है ना, a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस a x होता है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली सिंपली log रूट x लिख सकते हो, माइनस log x लिख सकते हो, प्लस लॉग स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, अब बेटा अब क्या हो गया, आसान सवाल हो गया, इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकते हो, माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो, प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3 इजिकल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस ए दैट इज एक्स, एंड एक्स क्या है भाई, लॉग ऑफ रूट एक्स है, एज इट इज छाप दिए ऊपर वाले चीजों को, है ना, एंड रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज हाफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस
अब सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है बेटा। तो हाफ लॉग एक्स में से लॉग एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, माइनस हाफ प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज लॉग स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स को टी मान लें, देखो बेटा यहां से टी स्क्वायर हो गया, यहां से हाफ टी हो गया, टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, हाँ सॉरी सिक्स। तो अब लिख दें भाई, टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, देखो तो टू टी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा भाई, टी माइनस टू बचना है, ठीक है, और प्लस थ्री टी प्लस थ्री कॉमन लोगे तो टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। टी माइनस टू कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू टू एंड टी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। कोई दिक्कत है भाई? लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस टू बराबर टू, तो एक्स बराबर फोर, एक आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, ठीक है भाई। चलो यहां साइड में करते हैं, जगह यहां पर कम है, तो अंडर बेस कुछ है क्या? अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है सॉरी कुछ नहीं है, तो लॉग एक्स इक्वल टू टू कुछ नहीं, बेस में तो टेन, एक्स इक्वल टू टेन टू दी पावर टू दैट इज हंड्रेड, तो एक आंसर आया क्या भाई, एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड टी इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस टेन इज माइनस थ्री बाय टू, एक्स इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाय टू, एक्स इक्वल टू वन बाय, तो भैया ये दोनों ही आंसर होना चाहिए। आंसर देखो है, चेक कर लेते बेटा, हाँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाय टू जब इसमें डालोगे ना, तो इसका जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ दैट जो आएगा ना, टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाय टू डालने पर टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाय फोर आएगा, क्या आएगा भाई, ठीक है, उसके लिए इस लॉग का मान जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वन से छोटा आएगा, ठीक है, वन से छोटा वैल्यू पुट करने पर लॉग का वैल्यू क्या मिलता है, ध्यान से देखो, लॉग का वैल्यू क्या मिलता था, लॉग एक्स का ग्राफ याद करो, अगर बेस में वन से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग था, तो वन से छोटा पुट करने पर क्या मिलता था, निगेटिव मिलता था, तो टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू दैट इज वॉट, वन बाई टेन टू दी पावर थ्री बाई टू दैट इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से वन के बीच का पुट करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव हो गया तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर है भाई, लॉग ऑफ दिस को सेटिस्फाई करने के लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, दैट्स व्हाई ये वाला जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल है, क्या हो गया भाई, ये संभव नहीं है, समझ में आया बच्चे, चलो भाई इधर लग मिटा दें, कोई कंफ्यूजन इसमें, देखो भाई पानी लेकर दो, हो गया नोट, ग्लास ले लो यहां से, हाँ भाई कितना नंबर था, ये जो फॉर्मूला भी लिखे वो
प्रूव कर दें या हो जाएगा खुद से? होता है जब फॉर्मूला लिखा रहे होते हैं तो एक आध छूट जाता है कभी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, उसका ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखे एक फॉर्मूला a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस a, क्या होता है भाई x होता है, इसको अगर प्रूव करना है ना तो a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस a x है, ये प्रूव करना है। देन टेकिंग log बोथ साइड अंडर बेस a, टेकिंग log बोथ साइड अंडर बेस a, बेटा ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ आएगा इनटू log ऑफ a अंडर बेस a, दैट इज log ऑफ x अंडर बेस a, बात नहीं। तो इससे पता चला ये वन हो गया, log ऑफ x अंडर बेस a बराबर log ऑफ x अंडर बेस a है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है भाई कंफर्म, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, हैंस प्रूव। तो a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस a यह x के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। देखो अगर अभी कुछ सीखे लग रहा है उससे अगला हो सकता है तो एक बार अटेम्प्ट लो। इसको मिटा दे 136 बता देते हैं भाई, कुछ लोगों का जान अटका हुआ है। कौन कौन 36 में फंस गए भाई, हाथ उठाओ। क्वेश्चन नंबर 136, log ऑफ x माइनस बाय टू log x माइनस हाफ इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस हाफ माइनस हाफ लॉग कहता है एक्स का मान क्या होगा ताकि एल एच एस और आर एच एस बराबर हो जाए। ठीक है भाई, देखो बेटा क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो हाफ हाफ वाले को एक साथ रख लो, एक जाति वाले को एक साथ, ठीक है। या तो हम तो कहेंगे दो से दोनों बगल गुना भी कर सकते हो। तो log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ लॉग, जो इतना कर लिए होगे उसका सवाल बन गया होगा क्या जी, सही बात बोले कि गलत बात बोले। हम लोगों ने क्या किया, एक तरह के दिखने वाले चीजों को एक जगह पर इकट्ठा किया, ठीक है भाई। अब देखो बेटा क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है भाई। तो लॉग क्या हो जाएगा भाई, हाफ लॉग
ठीक है बेटा, देखो तो टू लॉग एक्स बाय एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू वही, ये टू जो है यहां करके स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ये फोर उधर गुना हो जाएगा, फोर इन टू टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है भाई, आप सॉल्व कर पाओगे, अब सॉल्व हो पाएगा या फिर आगे बढ़े कर पाओगे, छोड़ दें इसके बाद, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देखना सारा आंसर जीरो से हाफ से बड़ा होना चाहिए, सारा आंसर किससे बड़ा होना चाहिए, हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है जीरो से बड़ा, ये हाफ से बड़ा, ये माइनस हाफ से बड़ा, ये बोल रहा है माइनस वन बटे एट से बड़ा, तो कॉमन बात आ गया हाफ से बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा हाफ है, ठीक है, कोई दिक्कत, लड़की में कौन एब्सेंट किया है, सहेली नहीं आई, हाँ बेटा बोलो नेक्स्ट, 141 देखो, सवाल बहुत ज्यादा होता है तो सारा सवाल हमसे बनाओ, ये नीति नहीं होनी चाहिए आपकी, जो सवाल जेन्युइनली आपको खूब परेशान किया आप वो पूछें, और हम लोग तो उल्टा कसम खा करके पढ़ते थे, जितना देर लगेगा हम ही बनाएंगे, ठीक है बेटा, 141 किसको किसको डाउट है 141 में, कौन कौन बना लिए भाई हाथ उठा, ठीक है हो सकता है आंसर गलत हो, ठीक है भाई, अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि सही हैं तो सही ही होंगे, आंसर मिलाना उद्देश्य थोड़े ही ना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना है भाई, हम जो किए वो सही है तो सही है, सवाल तो आईआईटी भी गलत पूछ देता है कभी कभी, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो भाई क्या है मामला, एक्स पर पावर टू लॉग एक्स है, ठीक है भाई, आप लोग भी यही समझे थे, तो चलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं अंडर बेस 10, क्या ले लेते हैं भाई, तो ये जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, जहां कुछ नहीं है तो बेस में 10 है तो आप डायरेक्ट भी ले लीजिए लॉग, है ना, तो लॉग टू लॉग एक्स अंडर बेस 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस 10 एंड लॉग ऑफ 10 अंडर बेस 10 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर बेस 10, ठीक है भाई, तो टू लॉग स्क्वायर एक्स अंडर बेस 10 लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग स्क्वायर एक्स
लॉग टेन इंटरवेस्ट टेन वन प्लस, बेटा आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स अंडरवेस्ट टेन को टी मान लो, तो टू टी स्क्वायर लिख दे, माइनस टू टी ला दे। देखो बेटा फैक्टराइज होगा क्या, उम्मीद तो नहीं लग रहा है। टी इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू डिवाइडेड बाय टू इंटू ए। तो चार दूनी आठ, चार भैया टी का जो मान मिला टू प्लस माइनस, तो बारह में से चार निकल गया तो बाहर में आ गया टू रूट अंडर ठीक है भाई। तो टी का दो वैल्यू दिखाई दे रहा है यहां पर हम लोग को ठीक है, टू तो भाई चार को दो से कटा लो, वन प्लस रूट अंडर थ्री बाय टू ठीक है बेटा, अच्छी बात है आ गया तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या सकता है। तो log ऑफ x अंडर बेस 10 इज 1 प्लस रूट अंडर 3 बाय 2, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस रूट अंडर 3 बाय 2 एंड अनदर आंसर इज व्हाट। तो ये आंसर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, log ऑफ x अंडर बेस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2 दैट इज x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2। देखो बेटा ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, देखो दोनों आंसर है, तो ये सिंपल था। हाँ बेटा क्या बोले बोलो, अच्छा देख लेते हैं कितना नंबर था, 141। बेटा बाई टू को खाली इधर कंपनसेट कर दिया ना, देखो धोखा खा जाते हो तुम लोग भाई ठीक है, कोई गिला सिकवा नहीं ना, ये सही है। हाँ बेटा नेक्स्ट एक लास्ट सवाल ठीक है, ज्यादा बताना है बहुत है तो भाई आगे भी तो बढ़ना है, एक ही चीज को लेकर के देखो भाई फिर तो ले दे करके हो जाएगा वही पुराना बात है ना, हम अगर आपको बिना मतलब का अनावश्यक समय देते रहेंगे तो आप उस समय का सदुपयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं, आप दुरुपयोग ही करिएगा, दुरुपयोग करते आए ठीक है। जो नालायक हो वो इतना भी बना लिए तो बहुत है आपके लिए, ये तो जितना और सब बच्चा सब पढ़ रहा है उसको पूछो, एगो एबीसीडी नहीं आता है, जो लायक है हम उसको लेकर चलेंगे भाई सीधा से। क्लास का पहला चार बच्चा जो है मेरा टारगेट वो है, आप लोग जहन्नुम में जाइए, हाँ पढ़ो ध्यान से, इतना जान जाओ बेचवा वो बैठल रहोगे तैयो तो अच्छा रहोगे, जान जाओ क्योंकि जो इसमें हो वो कर पा रहे हो, दो भी बनाए ना भाई, तो दो भी बनाए तो काफी आपके लिए। जिसको आईआईटी करना है तो स्पीड है उसको आपको मेंटेन करना होगा, आगे बढ़े। बोलो कितना नंबर, 154। क्वेश्चन नंबर 154, ए टू द पावर log of x under base b का होल स्क्वायर माइनस 5x पे पावर log of a under base b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो एक फिर और फॉर्मूला लिख लो, ए टू दी पावर लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी बराबर होता है बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए अंडर बेस सी के,
फिर से रिपीट करें, इसके जगह वो और उसके जगह ये चले आए तो फर्क नहीं पड़ता है, बसरते दोनों ही जीरो से क्या होना चाहिए बेटा। हाँ देखो क्या है, अब ये सारा फॉर्मूला है, हम लोग तो फंडामेंटल फॉर्मूला लिख चुके हैं ना, तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ठीक है, तो बोथ आर सेम बेटा, अगर इसको टी समझ रहे हो तो ये 5t है। ठीक है, तो अच्छा वाला फॉर्मेट क्या है, ये क्या 6 है, ये 6 है। हाँ तो इसको लिख दें a टू दी, अच्छा नोट कर लिया फॉर्मूला, फिर से लिख दें a टू दी पावर log ऑफ b अंडर बेस c बराबर b टू दी पावर log ऑफ a अंडर बेस c होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? हाँ तो ठीक है, चलो जब हम सवाल बनाते हैं ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम, क्योंकि आप खड़ा होकर के सारा बात जो यूजफुल है वो आप नहीं बता पाते हैं, है ना। जब सवाल बनाते हैं किस किस जगह पर फंसते हैं, फिर हाँ बेटा यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे करो, सवाल का जो बनाने का जो मेन रीजन है वो यही होता है। तो ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस बी, ये 6 है कि बी है, 6 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? तो ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस बी इंटायर को मान लेते हैं टी, तो क्या हो जाएगा भाई, ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, कंफर्म हो तो बेटा आप क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लो, टी स्क्वायर माइनस 60। ठीक है बेटा, तो टी कॉमन ले लोगे तो क्या मिलना है, टी माइनस 6, और यहां क्या मिलना है भाई, हाँ बेटा को ठीक है, दिक्कत है भाई, टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू। ठीक है भाई कोई दिक्कत बेटा, यहां से t का एक मान आया 1 और t का सॉरी विकास सर आ गए ध्यान में वहां चला गया, दिमाग को तो डिस्टर्ब होने का मौका चाहिए। आइए और, लेकिन थोड़ा हम लोग को भी बैठना है थोड़ा सा, हम विकेश है नीचे में, ठीक है देख लीजिए। तो बेटा क्या करते हैं, टी कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा भाई, टी माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा भाई, तो टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 3। टी का दो मान आया, एक टी इज इक्वल टू 2 आया और एक t इज इक्वल टू क्या आया भाई, 3 आया। तो कहता है यदि t 2 है, ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज t किसको माने हो भाई, a टू दी पावर log ऑफ x अंडर बेस b बराबर 2, टेकिंग log बोथ साइड अंडर बेस a, x पर पावर ये बराबर ये। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस बी इंटू ये, ठीक है
बेटा लॉग ऑफ ए अंडर बेस ए क्या हो गया, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस बी बराबर, लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस ए बराबर बी अगर होता था तो क्या था भाई, एक्स बराबर ये कोई दिक्कत, तो एक आंसर ये वाला निकला t इज इक्वल टू थ्री करके, दूसरा वाला आंसर खुद से निकाल पाओगे, जहां टू है सिर्फ वहां क्या आ जाएगा भाई, t इज इक्वल टू टू लिए तो यहां टू आया, t इज इक्वल टू थ्री लोगे तो बिल्कुल यहां पर क्या आएगा भाई, सिमिलरली द अनदर आंसर इज वॉट, x इज इक्वल टू बी टू द पावर लॉग ऑफ थ्री अंडर बेस ए, एक बार आंसर मिला लो, आंसर में थोड़ा 19-20 क्या हो सकता है बी को वहां भेज दे और दो को यहां ले आए, वही किया है तो आप देख सकते हो, जिसको आपको जो सुविधाजनक लगे वो कर सकते हो, इसको प्रूव करना होगा या खुद से कर पाओगे, नहीं हो रहा है चलो इच्छा जाहिर होगा तो कर दिया जाएगा, क्या ये समझ में आया भाई प्रूव, बेटा इसको अच्छे से समझना है ठीक है, जब भी लगे हम अपने पूरे होशो हवास में सवाल बना रहे हैं और जहां तक हम जान रहे हैं हर चीज का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ है जो मिसिंग है, आपको कुछ आगे बढ़ना है ठीक है, कुछ कुछ सवाल में भी ये प्रॉब्लम आया, तो सवाल जब बनाते हैं तो मिसिंग कॉन्सेप्ट सब भी आप वापस आ जाता है ना। चलो बेटा इस फॉर्मूला को भी करते हैं, आप फॉर्मूला जब भी लिखे ना तो उसके बाद आधा पेज जरूर जगह छोड़े ताकि बाद में जो फॉर्मूला एडिट एड होगा अपडेट करोगे, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो नहीं, कुछ कुछ फंक्शन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, तो वैसे ही जब सवाल बनाओगे ना फॉर्मूला वाला सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अब क्या है कहता है, क्वेश्चन कह लो फॉर्मूला कह लो जो भी कह लो, मेरे लिए तो सारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नहीं अभी, तो क्या कहता है भाई, ए टू दी पावर लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी बराबर बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए अंडर बेस सी, नहीं प्रूव कर पाए तुम लोग खुद से, ए टू दी पावर लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी बराबर बी टू दी पावर लॉग ऑफ, हाँ बेटा क्या लगता है, चलो देखते हैं, एक काम कर लो दोनों बगल क्या कर लेते हैं भाई, लॉग ले लो भाई सी बेस में, गजब लड़का है के बोला भाई, लड़का तो हीरा है, क्या नाम बेटा तुम्हारा, हिमांशु अभिमन्यु, कुछ दिन के बाद क्या होगा हमारा पता नहीं रे भाई, हम तो जितना स्टाफ लोग काम करता है इसको बोलते हैं उसका नाम से उसको बोलते हैं उसके आस, कभी कभी चिंता होने लगता है, तो ए टू दी पावर लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी बराबर बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए अंडर बेस सी, भाई देख लो अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर होते थे क्या होता, बेंजीन को कुछ और बोलते हैं, एल्डिहाइड को कीटोन बोलते, कीटोन को एल्डिहाइड बोलते, मैथ ही ऐसा चीज है जो माथा में कोई मेमोरी का जगह नहीं लेता है, आया बात समझ में, बात फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, हार्ड डिस्क मेमोरी वाला जगह छेकता है, आया बात समझ में, मैथ इंस्टॉलेशन वाला जगह छेकता है, सी ड्राइव वाला, समझ में आ रहा है बात, वो सब डी ड्राइव ई ड्राइव में रहता है ना, विंडो समझते हो ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है और इसी के ऊपर सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो बेटा अब क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड अंडर बेस लॉग ऑफ ए टू दी पावर, लड़का तो भाई हीरा है, क्या नाम बताया फिर से बोलो, अभिमन्यु, चलो भाई बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए अंडर बेस सी, ठीक है बेटा अब क्या करेंगे भाई, लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी लॉग ऑफ ए अंडर बेस सी, ठीक है बेटा देखो तो इशारा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, कहाँ गया भाई, इधर आ गया लॉग ऑफ बी अंडर बेस सी, तो बेटा इजी है था कि भारी था, तो जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, तो दोनों बगल सेम है, ये a इंटू बी है, ये b इंटू a है, वो a इंटू बी के फॉर्मेट में है, कम्यूटेटिव लॉ तो गुना में फॉलो होता ही है, ठीक है बेटा चलो, तो आज नया नहीं पढ़ेगा।
डाउट ज्यादा है कि कम है? चलो तो आज डाउट ही कराते हैं, आज मौसम भी बढ़िया नहीं लग रहा है। संडे को कोई बढ़िया टॉपिक पकड़ेंगे ताकि खत्म कैसे, कभी देखो कोई भी टॉपिक एक दिन में खत्म हो पा रहा है क्या? दो क्लास तीन क्लास लग रहा है, बहुत डेप्थ है बेटा इसके अंदर, है ना? हाँ बोलो, और कोई डाउट है कि आगे बढ़ जाए? है, बहुत है। हाँ बोलो, कितना नंबर? हम बहुत ज्यादा सवाल होगा तो कह देंगे भाई इवन नंबर से पूछो या पांच का मल्टीपल है पूछो। अभी एक पन्ना नहीं टपे हैं भाई आप लोग। वन सिक्सटी थ्री कौन कौन बनाया हाथ उठाओ? 163 के आगे कौन कौन बनाया हाथ उठाओ, लंबा वाला। ठीक है, तो एक आध सवाल और बताते हैं। अब जब बनाओगे ही नहीं और खाली मुंह देख देख के सवाल पूछोगे नहीं, सवाल का नाक टेढ़ लग रहा है, पूछ लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर बेस 0.5x माइनस 14 लॉग ऑफ एक्स क्यूब अंडर बेस 16x प्लस 40 लॉग ऑफ रूट एक्स। देखो भाई ध्यान से, सारा सवाल कर लोगे तो इक्वेशन पे वर्ल्ड का सारा सवाल बन जाएगा जो प्योर लॉग का होगा, पूरा दुनिया का सारा सवाल, क्योंकि दुनिया के हर अच्छे किताब का सवाल सब इसमें डाला गया है। आए भाई बात समझ में, है ना? देखो, और ये उस समय का नोट है जब इसमें पुरनका IIT चलता था, है ना? इतना कर लेने के बाद आपको लॉग में कहीं पर, हाँ पर्टिकुलर लॉग पे सवाल नहीं होता था, कोई सवाल है जिसमें लॉग का बड़ा भयंकर यूज होता था, एक सवाल में तीन चार सवाल घुसा हुआ होता था, आप दो तीन सवाल बना लेते थे तो IIT हो जाता था। दो घंटे में कहाँ दो तीन सवाल बनाना है, अब कहाँ तीन घंटे में 90 को सवाल बनाना है। तो हर तरह का अभ्यास होना चाहिए। एक बार सवाल को देख लो भाई, ठीक लिखे हैं, मिला लो सवाल, सही लिखे हैं, प्रिंटिंग एरर बेटा कहीं है? देखो तो कंफर्म हो गए तुम लोग, श्योर? चलो फिर ठीक, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, रूट एक्स है, 2x है, 16x है, 0.5x है। देखो भाई ध्यान से, यहां पर हाफ एक्स है, यहां पर 16x है और वहां पर 4x है। जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन का सवाल हो या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सवाल हो, क्या बोले बेटा बोलो? तो बेस जब तक सेम नहीं होगा हम लोग काम नहीं करेंगे। ध्यान रहे, लिमिट का बड़ा से बड़ा सवाल में खतरनाक खतरनाक यूज अगर दे देगा तो हम लोग चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे, उसी की तैयारी में जुटे। कोई फालतू बेवकूफ जैसा तो पढ़ा नहीं रहे। जब हम पूछे 163 के आगे कौन कौन गए तो मुश्किल से पांच बच्चा हाथ उठाए, ये कहाँ तक ठीक बात है? कौन कौन 163 के आगे बनाए हाथ उठाओ ईमानदारी से। देखो तीन तीन छः को बच्चा, आप लोग क्या करोगे? क्या भाई क्या करोगे?
चलिए ध्यान से देखिए, तो यही तो पिछड़ गए ना। अगर पूरा पूरी हम उसी छह बच्चा का हाथ जो साथ दे दें, जो हाथ उठाया है, तो आज के बाद धुइया ने देख पाओगे कभी नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे। आज तुम 50 सवाल पीछे हो, कल 100 सवाल, परसों 200 सवाल, 400, 800, 1000, लाख सवाल पीछे चल जाओगे। और कुछ नहीं है, करोड़ों का पैकेज में बच्चा जाता है, आसान है ना, समझ आ रहा है बात? करोड़ करोड़ का पैकेज में चल जाता है, लाइफ में पैसा का कोई कीमत ही नहीं रहता है, जो चाहोगे हर चीज लगता है मिल जाता है। सुख शांति तो खैर भगवान के हाथ का चीज है। देखो बेटा ध्यान से, सबको अब क्या करते हैं, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का भी एक तरीका है कि किस बेस में काम किया जाए, वह कैसे निर्धारण होगा। बेटा बात नहीं, किस बेस में काम किया जाए वह कैसे निर्धारण होगा। तो 0.5 टू पर पावर माइनस वन है, टू पर पावर क्या है भाई, फोर है, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, टू पर पावर टू है, तो टू का पावर का थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, टू के पावर का थोड़ा, ठीक है भाई। जब टू के पावर का थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है तब क्या करेंगे, तो बेस टू में तोड़ेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ। कौन कौन इसको बनाया था, तो उठाओ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर बेस टू बाय लॉग ऑफ 0.5 इंटू एक्स अंडर बेस टू, ठीक है बेटा, तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, माइनस 14 इंटू log ऑफ एक्स क्यूब अंडर बेस टू log ऑफ 16x अंडर बेस टू प्लस 40 log ऑफ x पर पावर हाफ अंडर बेस टू log ऑफ 4x अंडर बेस टू। देखो बेटा, कोई जब सामने बता देता है ना, लगता अच्छा यही है, और जब वो सामने नहीं बता रहा होता है तो पता चला आप उसके पीछे 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा लगातार पागल की तरह मेहनत किए, फिर भी कुछ हो सकता है, बन जाए, हो सकता है। हम लोग इस फेज से गुजरे, हमको याद है बच्चा चला सवाल को बनाने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लग जाता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। तो आप लोग के पास तो दुनिया भर का संसाधन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग देवघर में पढ़ा रहे हैं, हम अपना बात नहीं करें, और सब भी लोग अच्छे अच्छे, हम तो अच्छे हैं ही, तुम सर्टिफिकेट दोगे थोड़े हम मानेंगे भाई हम अच्छे हैं तो हैं, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारा मन का प्रॉब्लम है। बेटा क्या है, एकदम इसलिए जी जान लगाए खटो, ये क्या है, संपत्ति। एक छोटा सा चीज को अचीव करने में है ना हजारों हजार साल लगा है, पता है कि नहीं पता है। माचिस जो जला लेते हो एक दिन का प्रयत्न है क्या, लाखों साल के बाद माचिस जला, तो उसका इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसके मैकेनिज्म को एकदम इनहेल करो। हजारों हजार लाखों लाख साल के बाद लॉग आया तो प्रणाम करो, उसको एकदम आत्मसाध करो, ठीक है बेटा। ऐसे एक दिन में तो आया नहीं, कोई को आदमी पूरा लाइफ टाइम शुरू से लेकर अंत तक रहा, लास्ट में बोला यूरेका, अच्छा है ना, ठीक है भाई। वो कितना पागल जैसा खटा तब जाकर के उसको मिला, आपको इजीली मिल रहा है तो आपको लग रहा है क्या बकवास का चीज है, लेके करें क्या। तो बेटा थोड़ा मेहनती बनो, ठीक है भाई। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर बेस टू, तो बेटा क्या करें, एक तरीका है मिटा मिटा के बना, लेकिन मिटा मिटा के नहीं बनाते, एक दो स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, तो टू बाहर कर दें बेटा, इसको देखो टू टू दी पावर माइनस वन लिखे हैं, हाँ भाई, तो log टू टू दी पावर माइनस वन जोर, ठीक है बेटा। देखो तो 14, अब टीचर का रोल ये नहीं है कि आंसर मिला दीजिए, आप पाथ बताइए, ठीक है भाई, पाथ मिल गया उसको, चलो जाओ।
थ्री लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस टू, लॉग ऑफ 16 अंडर बेस 2 प्लस प्लस 40 हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस 2, लॉग ऑफ 4 अंडर बेस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई ध्यान से, लॉग ऑफ एक्स अंडर बेस 2 को टी माने, थोड़ा आप एक आध स्टेप जंप मारते हैं, पूरा ध्यान से देखना। तो बेटा इसको क्या लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा लंबा करके तो 2t, और ये बेटा ये माइनस 1 बाहर आएगा और 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो जो टी, तो माइनस 1 जो टी को बेटा टी माइनस 1 लिख दे, चलेगा माइनस ऑफ 14। तो बेटा 3t लिखे, 16 अंडर बेस 2 क्या लिखोगे भाई, 4 लिखोगे, 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखेंगे, 4 बेटा बाहर आएगा और ये log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, 1 4 जब 4 हो गया और log ऑफ x अंडर बेस 2 को t मान रहे हो, प्लस 40, अच्छा 40 और हाफ को कैंसिल कर दो तो ऐसे 20 हो गया, 20 इंटू टी दैट इज 20t। तो log ऑफ x अंडर बेस 2 को क्या मान लिए भाई, और 4 क्या है भैया, 2 का स्क्वायर है, तो 2 कहां चला है भाई, ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है बेटा देखो, तो अब बनेगा, अभी भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, अब लंबा सा एक इक्वेशन आना है और जो आएगा वो क्यूबिक में आएगा, ध्यान रखना। अब उस क्यूबिक को आपको फैक्टराइज करना है, टी माइनस 1, टी प्लस 4, टी प्लस 2, टू टी इंटू माइनस 40, या बी आर दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है भाई, 42t इंटू टी माइनस 1 इंटू ट्वेंटी टी इंटू टी माइनस 1 इंटू बेटा ज्यादा भारी नहीं है, जिसको ज्यादा भारी समझ रहे हो, ठीक है बेटा। अब टी तो ऐसे कॉमन आ गया, तो क्यूबिक रहा क्या, टी कॉमन आ गया कि नहीं आ गया भाई, टी तो कॉमन आ गया, तो ये जीरो कब होगा, जब न्यूमिनेटर जीरो है, पक्का, तो बेटा ध्यान से देखो, अभी जो लिखे थे उसको हम यहां पर एक बार फिर से ले देते हैं, तो भाई क्या करते हैं, 2t कॉमन ले लो, 4 इंटू टी प्लस 2 माइनस 42 में 2 चला गया, नहीं भाई 21 टेन टी, तो टी तो जा चुका है बाहर,
दिस इंप्लाइज, तो भाई सिर्फ न्यूमरेटर अभी हम लिखे क्योंकि न्यूमरेटर जीरो तो वैल्यू जीरो अब नहीं कर पाओगे तुम लोग, छोड़ देगी करना होगा। यहां तक तुम लोग आए थे क्या? इसके ऊपर भी देखो थोड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लो। तो ऊपर से देखते आओगे तो नीचे में गलत चीज भी लिखा भी गलत गया तो सही दिखोगे। क्या हो गया भाई? टी स्क्वायर 2t प्लस 40, 60 प्लस 8, 21 है ना, प्लस 2t माइनस t 10, टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3t प्लस 40 माइनस t 10t और 1t, 11t में से 21t, तो माइनस 10t, ठीक है भाई। 10 तिया 30, 6 36, 36 में से किस क्या हो गया बताओ कितना बचा भाई? प्लस 15t 40 और 8 48 और 42 कितना हुआ भाई? 40 और 8 देखो ये हो गया प्लस 42, ये हो गया माइनस 40, ये हो गया प्लस 8, 42 और 8 50 में से 40 चला गया, कितना बचा भाई? अब जब लंबा सवाल होता है तो कहीं प्लस माइनस की गलती होने की संभावना थोड़ी बढ़ती है, ठीक है, इसलिए पूरा पन्ना रहो। यहां पर तुम लोग सबको मिलकर के देख रहे हो तो गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है, लेकिन रात में आप जब आराम से झुकते झुकते बनाते हो, है ना, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिए, जाता क्या है। माइनस 2t तो 10 दहिया 100 20 25 100, कुछ गलत कर दिए क्या? ठीक हो गया ना अभी भाई? ठीक है बेटा, पी के माने थे भाई, टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया भाई? एक्स बराबर 2 पर पावर 0 बराबर 1, तो एक आंसर समझ में आया भाई, एक्स बराबर 2 पर पावर 0 बराबर, कोई दिक्कत? 10t प्लस 5 टी बराबर क्या आएगा भाई? 2 पर पावर -1/2 का मतलब क्या हो गया भाई? 1/√2, देखो 1/√2 आंसर में है, 1/√2 होना ही चाहिए। एंड फाइनली टी इज इक्वल टू व्हाट? 2,
इससे निकल गया टी का मान माइनस हाफ, इससे निकल गया टू, समझ में आया या नहीं आया? छापो छापो, बड़ा आनंद आता है तुम लोग को, लगता है कॉपियां हम चपोतने के बाद क्या जो तुम लोग को मिलेगा। पता है मेरा इंटर में पूरा 11th 12th करते करते शायद दुई ठो मैथ का कॉपी नहीं भरा होगा, लेकिन किताब कम से कम 40-50 ठो बनाया होगा। फिजिक्स में पूरा यूरोडोप कम से कम 2-3 बार बनाए हैं, लेकिन एको कॉपी आने भरा है। सब आता था पूछने, उसी कॉपी हम बता देते थे। थोड़ा सा हटने से हो जाएगा, किधर बाएं कि दाएं, इधर हट जाए, अभी उधर बोले किधर चल जाए, हम कहां जाएंगे बोलो। क्या बोले? बोलो भाई नेक्स्ट। 100 बात नहीं बराबर। हाफ लॉग 5x माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स 2 प्लस लॉग ऑफ 0.18। ठीक, अब है तो है, डरना क्या भाई।
ठीक है भाई, किसका किसका बन गया तो उठाओ देखो। अभिमन्यु बाबू बना लिए, अभिमन्यु बाबू, अभिमन्यु बाबू बन गया। देखो बेटा ध्यान से, क्या शुरू शुरू करें? चलिए देखे ध्यान से। तो भाई कुछ तो है नहीं, हमको समझ में आने रहा है, कहे तुम लोग टेंशन दिए। रेडी? चलो भाई एक काम करो, दो से दोनों बगल गुनाह कर दो मिजाज में, कर दें। पॉइंट 18 का स्क्वायर कर लो दोरा, जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी करो आराम से। ये यहां स्क्वायर हो जाएगा भाई, और स्क्वायर और रूट में जब लड़ाई होता है तो फायदा आप लोगों को होता है। इसको लॉग ऑफ 10^4 अंडर बेस 10 लिखो, इसको बोलो भाई क्या लिखोगे? 0.032 कन्फर्म। गजब कर दिए भाई तुम लोग, बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, 10 है तो समझो कि है। बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, लॉग ए जोर लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू, ठीक है भैया ठीक है, लॉग ऑफ 5x - 4 324 लिखें चलेगा? क्या लगता है अभी भी खटना है कि आप कर लोगे? दिस इंप्लाइज क्या छोड़ दें आप? 5x² दिस इंप्लाइज 5x² 24 × 28। देखो अगर फैक्टराइज हो जाता तो उत्तम, नहीं तो फिर रूट रूट निकाल करके निकालो, कोई दिक्कत। तो बचा हुआ जो भी क्वेश्चन है लॉगरिथमिकल इक्वेशन का, इसको बना करके आप लोगों को आना है। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और उसका डाउट भी अगले ही क्लास में निपटा देना है, ठीक है? और संडे को हम लोग लॉग से और एक्सपोनेंशियल से निकल के हम लोग चल जाएंगे, स्टेप फंक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लास रेगुलर रहो, जो रेगुलर रहोगे है ना वो धीरे 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 सीखते जाओगे, जो रेगुलर रहोगे नहीं सीखोगे नहीं, ठीक है?